नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। चित्रकूट में बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में जनसेवा इंटर कॉलेज बनी विजेता। जनपदीय बालिका प्रतियोगिता में आज स्पोर्ट्स स्टेडियम चित्रकूट संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला। कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 7 टीमों ने भाग लिया। इसमें CIC, GGIC, जनसेवा इंटर कॉलेज, शिवरामपुर की AB टीमों ने भाग लिया। कबड्डी खिलाड़ियों सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह तोमर ने परिचय प्राप्त कर मैच का उद्घाटन किया। उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करने वाली विजेता तथा उपविजेता को शक्ति सिंह ने नगद इनाम देकर उन्हें प्रोत्साहित किया। जनसेवक इंटर कॉलेज की बी टीम ने 9 अंकों से ए टीम को पराजित कर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। दूसरी ओर क्रिकेट के मैच में जनसेवा कॉलेज एवं स्पोर्ट्स स्टेडियम की टीम के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला। स्टेडियम ने 104 रन बनाकर जनसेवक को चुनौती पेश की। जनसेवा केंद्र कॉलेज में स्टेडियम की चुनौती को स्वीकार करते हुए 105 रन बनाकर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। क्रिकेट में फिरोज अंसारी, अख्तर हुसैन ने मुख्य भूमिका निभाई तथा कबड्डी की प्रतियोगिता को संपन्न कराने में श्याम सुंदर, किशन, अगत सिंह प्रशिक्षक भारतीय खेल प्राधिकरण ने मुख्य भूमिका निभाई। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी विजय कुमार ने विजय कबड्डी को बधाई दी। कल प्रातः 8:30 से बालक एथलेटिक की प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम चित्रकूट में होगी। जो छात्र 9 से 12 कक्षा में पढ़ते हो वह इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 29 अगस्त को पुरस्कृत किया जाएगा। चित्रकूट संवाददाता राम लखन पाडैनिया की रिपोर्ट।